उस वक्त पूरा राष्ट्रपति भवन तालियों की कड़कड़ाहट से गूंज उठा जब पाकिस्तानी सेना के एक पूर्व सैनिक लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। काजी सज्जाद को भले ही भारत में ये सम्मान मिला हो, लेकिन पाकिस्तान में उनके खिलाफ सजाए मौत का वारंट जारी हुए पूरे 50 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान आज भी उनकी तलाश कर रहा है। कर्नल काजी सज्जाद को सन 1971 के युद्धनायक के तौर पर जाना जाता है। ये लड़ाई बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए लड़ी गई थी, जिसके 50 साल पूरे हो चुके हैं। इस पाकिस्तानी सैनिक ने उस वक्त भारत की जो मदद की वो हमारी सेना को बहुत काम आई थी। लेकिन भारत में आकर फौज में अपने लिए भरोसा जगाना सज्जाद के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी कहानी बिल्कुल फिल्मी है। 70 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान की जनता पाकिस्तानी सेना का जबरदस्त विद्रोह कर रही थी, जिसे कुचलने के लिए पाक आर्मी ने जो रुख अख्तियार किया उससे परेशान होकर लोग भारत की ओर पलायन करने लगे। 20 साल के लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर 1969 में पाकिस्तानी आर्मी में शामिल हुए थे। उन्हें सियालकोट की ही एक आर्टिलरी में तैनात किया गया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के हालातों को बयां करते हुए कहा, सिन्ना का पाकिस्तान हमारे लिए कब्रिस्तान बन गया था। हमारे साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जाने लगा, जिनके पास कोई अधिकार नहीं था। हमारे साथ पाकिस्तान के नौकरों जैसा बर्ताव किया जाता था। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के पलायन के कारण भारत में शरणार्थियों की भरमार शुरू हो गई। हालात इतने बदतर हो गए कि पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करवाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1971 में जंग छिड़ गई। उस वक्त पाकिस्तानी सेना का पूर्वी पाकिस्तान के सैनिकों के साथ बर्ताव कैसा था, इस बारे में कर्नल सज्जाद बताते हैं, पाकिस्तानी सेना में हमारी ट्रेनिंग पाकिस्तानी सैनिकों की ट्रेनिंग से काफी अलग थी। जो भी सैनिक पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले थे उनकी जासूसी की जाती थी, उन पर हमेशा नजर रखी जाती थी। उन्हें जबरदस्ती उर्दू बोलने के लिए कहा जाता था, उन्हें गालियां दी जाती, उन्हें लगता था कि हम उनकी ज्यादतियों के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। हुआ भी ये ही, पूर्वी पाकिस्तान की ओर से जब विद्रोह तेज हो गया तो उसे कुचलने का प्रयास भी उतना ही तेजी से शुरू हुआ। ये मंजर देखकर लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद ये तय कर चुके थे कि वो भारत का साथ देंगे। उन्होंने सीमा पार करके हिंदुस्तान आने का फैसला किया। काजी सज्जाद बताते हैं कि सियालकोट में पाकिस्तान के कुलीन पैरा ब्रिगेड के सदस्य के रूप में मैं अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा था, लेकिन तब मैंने सोचा कि मुझमें तीन व्यक्ति है, मी माई सेल्फ और आई। तो मैंने योजना बनाना शुरू कर दिया कि किस राह पर चलना है। मैंने शकरकाह मार्ग से जम्मू की तरफ जाने का फैसला किया, जिस पर शायद कम से कम सेना थी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी चल रही थी उसे देखते हुए सीमा पार करने का फैसला आसान नहीं था। जब वो भारत पहुंचे तो उन्हें जासूस समझकर हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान से अपने भागने की घटना को याद करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल सज्जाद ने इंडिया टुडे को दिए हुए एक इंटरव्यू में बताया कि जैसे ही मैंने सीमा पार की तो पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होने लगी। बदले में भारत ने भी जवाबी फायरिंग की। मैं एक बड़ी सी खाई में कूद गया। मैं सुरक्षित था, हालांकि दोनों तरफ से गोलीबारी जारी थी। मैं पूरा रास्ता पार करने में कामयाब रहा और जानबूझकर पकड़े जाने के लिए भारत चला गया। वे जब भारत पहुंचे तो उनकी जेब में सिर्फ 20 रुपए और कुछ नक्शे थे। उन्हें हिरासत में लेकर सबसे पहले पठानकोट भेजा गया, जहां सैन्य अधिकारियों ने उनसे पाकिस्तानी सेना की तैनाती के बारे में पूछा, जिसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया। भारत में अपने साथ हुए बर्ताव पर सज्जाद बताते हैं कि अलग अलग एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करते हुए मैंने कई महीने बिताए, तब उन अधिकारियों ने मुझे कभी नहीं बताया कि मैं हिरासत में था। मुझे अच्छा खाना दिया गया, मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया गया, लेकिन मुझसे सफदरजंग एनक्लेव में अलॉट हुए घर को नहीं छोड़ने का अनुरोध किया गया। वहां बहुत बड़े बड़े अफसर आए और दिन रात मुझसे बातें की। कर्नल सज्जाद खुद को मैप रीडिंग और नाइट नेविगेशन का मास्टर बताते हैं। उन्होंने भारतीय फौज को पाकिस्तान की तैनाती के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी दी। उनकी दी गई जानकारियां जब सच साबित होने लगी तो भारत को भी उन पर यकीन होने लगा। इधर पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में उनके घर को आग लगा दी। उनकी माँ और बहन को भी टारगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो दोनों भागने में कामयाब रही।
भारतीय सेना की मदद करने के बाद वे पूर्वी पाकिस्तान पहुंचे, जहां पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की सेना मुक्ति वाहिनी पाकिस्तानी सेना से गोरिल्ला युद्ध लड़ रही थी। उन्होंने भारतीय सैनिकों के साथ तालमेल बनाकर मुक्ति वाहिनी के हजारों लड़ाकों को ट्रेनिंग दी। 13 दिन चले इस युद्ध में आखिरकार पाकिस्तान को हारना पड़ा। भारतीय फौज की प्रशंसा में सज्जाद बताते हैं कि आत्मसमर्पण करने के बाद भी भारतीय सेना ने ही पाकिस्तान की सेना की रक्षा की, वरना वे बच नहीं पाते और मुक्ति वाहिनी उन्हें खत्म करके ही दम लेती। सिर्फ भारत की सेना ने ही उनकी जान बचाई। सज्जाद कहते हैं कि बांग्लादेश के लोगों को अपने पुराने दिन और अपने इतिहास को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हम एक साथ लड़े और 1971 की जंग में जीत हासिल की। यह भारत और बांग्लादेश के लिए सबसे अच्छा समय था, लेकिन बांग्लादेश की नई पीढ़ियों को अपने गौरवशाली इतिहास को भुलाना नहीं चाहिए। कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर के पिता ब्रिटिश आर्मी में एक अधिकारी थे और द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने बर्मा की लड़ाई लड़ी थी। उनके छोटे भाई उस दौर में मुक्ति वाहिनी का हिस्सा थे, जिसने बांग्लादेश की आजादी के लिए युद्ध लड़ा। कर्नल जहीर को 2013 में बांग्लादेश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पदक से सम्मानित किया गया था। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नल जहीर अब उन बांग्लादेशी भारतीयों के परिवारों को सम्मानित करने के बांग्लादेशी सरकार के प्रयासों की अगुवाई कर रहे हैं, जिन्होंने 13 दिनों तक चले 1971 के उस युद्ध में सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश बना था।